हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स आपको कवर करवाए थे। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ये चैप्टर है पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुत ही छोटा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन 4 मार्क्स में जनरली आ जाता है CSIR नेट में, और गेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो अगर आप फिजिकल छोड़ने का भी प्लान कर रहे हो कि आप ऑर्गेनिक अच्छी है आपकी, ऑर्गेनिक और फिजिकल के आप 2-3 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, फिर भी आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है, 2 घंटे में आपका ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप वीडियो से भी कवर करते हो दैट वुड बी सफिशियंट। अब ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, परसों जो वीडियो बनाई थी, एक आज बना रही हूँ, और आज के बाद भी ना थोड़े से फॉर्मली बच जाएंगे, मैं आपको कल वीडियो अपलोड करके समझा दूंगी। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग का लिंक मिलेगा, वहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड करोगे इसका पॉलीमर का। जितना मैंने पहले पढ़ाया है जितना आज पढ़ाऊंगी उससे आपके 50-60% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आप वो ट्राई करेंगे सोल्व करने की, और जितने क्वेश्चन नहीं होंगे आप मुझे बताएंगे, मैं वो सोल्व कर पाऊंगी बोर्ड पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक टर्म होती है इसमें PDI, ये क्या है? पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आता है इस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है MW/MN। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेट एवरेज मोलिकुलर मास, ऐसे ही नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। तो उसका फॉर्मूला आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से रट्टा लगा लेना है चारों फॉर्मूले का जो मैंने बताया था पहले वाले में। उसके बाद आप क्या करोगे, यही है इसका निकालने का फॉर्मूला, ऐसे निकलता है PDI इस फॉर्मूले से। तो हमारा MW क्या होता है? समेशन ऑफ NI MI स्क्वायर डिवाइड बाय NI MI, ये हमारा फॉर्मूला किसका है? MW का। उसके बाद MN क्या होता है? MN हमारा होता है समेशन ऑफ NI MI अपॉन समेशन ऑफ NI। अब आपको समझ आ रहा है समेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं समेशन ऑफ NI MI, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए और वेट दिया हुआ सबका अलग अलग, तो मैं क्या करूंगी, N1 M1 प्लस N2 M2 ऐसे करके, इसका मतलब ये है आपको ऐसे करना है। अगर मैं बोल रही हूँ समेशन ऑफ N, तो इसका मतलब है N1 प्लस N2 प्लस ऐसे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का। इस तरह से हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर आप सोल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, NI ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा NI MI स्क्वायर NI MI, और जो ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ NI और ये हो जाएगा NI MI। ठीक है, आप नीचे स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है PDI। आपको ये तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी याद होगा, तो ये सब याद करने की भी नीड नहीं है। फिर आप इतना याद रखो कि MW/MN होता है फॉर्मूला, उसके बाद आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 1 आती है, सपोज अगर PDI आपका 1 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो MW है वो इक्वल है किसके, MN के, है ना। और इस केस में हम इसको बोलते हैं मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, मोनो डिस्पर्स पॉलीमर। अगर आपकी वैल्यू सोल्व करने के बाद PDI की वैल्यू आती है 2, तो उसको हम बोलते हैं बाई डिस्पर्स। अगर 3 आती तो ऐसे ही ट्राई डिस्पर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आपसे पूछ लेते हैं कि वैल्यूज दे देंगे, आपको बताना होगा कैसे किस तरह का पॉलीमर है, मोनो डिस्पर्स, बाई डिस्पर्स या फिर ट्राई डिस्पर्स। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेट एवरेज मोलिकुलर मास होता है, सॉरी नंबर एवरेज मोलिकुलर मास जो होता है, उसको हम निकालते हैं ऑस्मोमेट्री से। जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ऑस्मोमेट्री। ऐसे ही जो विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास होता है, उसको हम किससे निकालते हैं, विस्कोमेट्री से। अब इसका क्या होता है, थोड़ा सा कुछ इसमें ग्राफ और इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करवा रही हूँ। अब क्या होता है, देखो विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास या फिर विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं MV से। अब देखो विस्कोसिटी क्या होती है, बेसिकली विस्कोसिटी होती है कि कोई भी लिक्विड जो है उसमें कितना, मतलब उसकी जो स्पीड है फ्लो करने की वो कितनी फास्ट है कितनी स्लो है।
जितना ज्यादा विस्कस होगा लिक्विड उतनी ज्यादा स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक साइड आप वोटर लेके चलो, एक साइड रखो हनी। अगर आप हनी और वोटर को फ्लो करवाओगे तो वोटर बहुत रेपिडली फ्लो करेगा, जबकि हनी क्या होता है ज्यादा विस्कस होता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है कम होती है फ्लो करने की। ठीक है, तो अब ना एक बात है, सिंपल आपने पानी रखा हुआ है, फिर कोई भी सोलवेंट आपके पास, उसमें आपने पॉलीमर ऐड कर दिया। तो जैसे ही जो पहले प्योर सोलवेंट था उसमें हमने पॉलीमर ऐड कर दिया है कोई, तो क्या होगा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला आता है, ये किस तरह से मिला विस्कोसिटी का, ये है विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, वो किसके इक्वल होती है, ये है विस्कोसिटी ऑफ प्योर सोलवेंट इंटू वन प्लस इंटू कंसेंट्रेशन प्लस, ये हमारा आता है, इससे हमारी इक्वेशन है जिसको हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। अब देखो ये है विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या है सोलवेंट प्लस मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल को क्या बोलते हैं पॉलीमर, मतलब सोल्यूशन अब क्या है सोलवेंट प्लस मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब ये है विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट और ये क्या है विस्कोसिटी ऑफ प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट। ठीक है, जो ये वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, और इसी की कैलकुलेशन हमें करनी है कि हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी की कैलकुलेशन चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब एक काम मैं कर सकती हूँ कि इसको अगर मैं नीचे ले जाऊंगी डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, ईटा अपॉन ईटा नॉट इज इक्वल टू वन प्लस इंटू सी प्लस, ये बन जाएगा मेरा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वन को भी यहां पर लेके आती हूँ तो क्या बनेगा, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू सी, ये बन जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, इसको लिखने का मेथड ये है, अब मैंने सी को बाय में लेके जा रही हूँ, मतलब मैं इस वाली पूरी टर्म क्या कर रही हूँ निगलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कंसेंट्रेशन की बात हूँ। देखो किस तरह से लिखती हूँ, अपॉन ईटा नॉट माइनस वन तो ये तो है ही पहले से, अब मैंने सी को मैं यहाँ पे नीचे रही हूँ डिनोमिनेटर में इक्वल टू लिख रही हूँ ईटा। ऐसे लिखना सही नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि क्या हो गया जो प्लस वाली जितनी भी टर्म्स थी उन सबको मैंने निगलेक्ट कर दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिखने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे लगाऊंगी लिमिट सी गोज टू जीरो, मतलब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि जो कंसेंट्रेशन की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज ही करती जा रही है, तो मेरा ये फॉर्मूला आता है यहाँ से। ठीक है, अब क्या होता है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए आप इसको भी माइंड में रखो, लिख के रखो अपने पास, बता दू किस तरह से उसको यूज करना है न्यूमेरिकल में। इसको मैं रब नहीं कर रही हूं, अब ना एक इक्वेशन होती है मार्क होविंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है हमारी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और ये किसके इक्वल होता है k, विच इज अ कॉन्स्टेंट, और यहां पर साथ में क्या होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास और इसकी पावर होती है अल्फा। तो ये है आपकी मार्क होविंग इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं किसकी वैल्यू निकालने के लिए, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, कब, अगर हमें के और अल्फा की वैल्यू गिवन है तो, और हमें साथ में मास की वैल्यू भी गिवन है, तो यहां से हम डायरेक्टली इसको यूज करके यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ना एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो के और अल्फा है ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है के एंड अल्फा दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पर, पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर। इसका क्या मतलब है कि जो इन दोनों की वैल्यू है के और अल्फा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और नेचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या फिर नेचर ऑफ पॉलीमर पर, तो दोनों पे डिपेंड करती है, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पर, मतलब इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी और इसके नेचर पर भी। ठीक है, और जो अल्फा की वैल्यू है स्पेसिफिकली उसको हम बोल सकते हैं वो डिपेंड करती है किस पे, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ पॉलीमर, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ पॉलीमर। ओके, तो ये एक से हाँ, और जो अल्फा की वैल्यू होती है जनरली वो कहां से कहां तक लाई करती है 0.52, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है, ये सिर्फ थ्योरी के लिए आपको याद करना है, इसकी वैल्यू जनरली कहां पर कहां से कहां तक लाई करते हैं 0.521। अगर आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है बट अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसको वन कंसीडर करोगे, अगर जो भी एग्जामिनर ने दी हुई है आपको वैल्यू या तो वो कंसीडर करोगे, इनकेस दी नहीं हुई है बट आपको नीड है उसकी
तो आप उसको वन कंसिडर कर लोगे। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं दोनों साइड लोग लगा दूं इन दोनों में, टेकिंग एल एन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, ये आपको पता होगा कि जब भी जो चीज प्रोडक्ट में होती है अगर हम लोग लगाते हैं वहां पर तो क्या होती है, वो एडिशन में आ जाती है। मतलब अगर सपोज करो एन एन है, अगर मैंने यहाँ पे एल एन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एन, एल एन ऑफ एन। ठीक है, या फिर एन की पावर अगर पी है सपोज, और मैंने यहाँ पे लोग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, पी ऑफ एल एन ऑफ एम ये हो जाता है। तो मैं यही दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रही हूँ, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ के प्लस एल एन ऑफ एम वी, इसकी पावर क्या है, एल्फा। उसके बाद अगर हम सोल्व करते हैं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल एन ऑफ के, और जो पावर है ये आगे आ जाएगी, एल्फा ऑफ एल एन एम वी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले जब मैं आपको पढ़ाई थी ऑस्मोमीटर वाला पोर्शन, वहां पर भी बताया था क्या स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, और m होता है स्लोप। तो अगर मैं इसको y मान लू, y इज इक्वल टू, और ये क्या है, एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है तो मैं इसको सी मान लिया, मतलब इंटरसेप्ट, इसको मैंने माना है x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं एल एन ऑफ ईटा वर्सेस एल एन ऑफ एम वी, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, ये मेरी वाई की वैल्यू हो गई है और ये एक्स की वैल्यू हो गई है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा और यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, एल एन ऑफ के, और ये क्या है, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या है, एम, एम मतलब एल्फा, स्लोप हमारी किसके इक्वल है, एल्फा के इक्वल। तो इस ग्राफ से भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज देके यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब तो चलो ये वाली चीज तो क्लियर हुई कि इस इक्वेशन को यूज करिए, अगर ये वाली सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट क्या होता है, यहां से भी ग्राफ बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और वहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है और आगे भी आने के चांसेस हैं, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज करते हैं। देखो मैंने जो ये लिखा है यहां पर, तो वापस से लिख रही हूँ, लिमिट ऑफ कंसेंट्रेशन गोज टू जीरो ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस वन डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ईटा। अगर हमें निकालनी है वैल्यू, सपोज करो इस वाले इक्वेशन में भी अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो इस वाले इक्वेशन से हमारी इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती है, हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसको यूज करके, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहां से निकालते हैं ईटा की वैल्यू। अब वो कैसे निकलती है, देखो इस तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे क्या होगा, वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू ईटा अपॉन ईटा नोट अपॉन ये साथ में डिवाइड बाय सी, ये हमारी है वाई पर मैंने लिखा है ये वाली बार, और हम किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं इसको, कंसेंट्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, अगर सी की वैल्यू जीरो को अप्रोच करिए, मतलब अगर सी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ईटा की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी, यही बात है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ है इस तरह का होता है, इन दोनों को अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वैल्यू आपका सारी अवेलेबल हो अगर, तो इस तरह का प्लॉट आता है। तो इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम ईटा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, देखो ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया, अब जो सी की वैल्यू है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रही हूँ, वन टू थ्री मैं लिख रही हूँ सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। अब क्या होता है, मैं बोल रही हूँ जब सी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा एकदम जीरो को अप्रोच करेगी, तो उस वाले केस में क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू है ये इक्वल हो जाती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। तो अब क्या होता है, अगर मैं इसको सपोज इतना हमें दिया हुआ है, अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं यहां तक ऐसे ऐसे करके, तो जो मेरा ये वाला पॉइंट है यहाँ पर क्या है मेरी, ये तो जीरो वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन की वैल्यू जीरो है, तो जब कंसेंट्रेशन की वैल्यू जीरो है तो ये वाली वैल्यू हमें कितनी है, इसके इक्वल, इसके जो भी वैल्यू गिवन है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरी किसकी आ जाएगी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की। आपको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, कंसेंट्रेशन को अगर मैं जीरो कर दूं और उसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे मैच कर दें, तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या है, उसकी वैल्यू जीरो, और यहाँ पर उसकी बात करें सपोज करो वन टू थ्री इस तरह से दिया हुआ है, और एक्स्ट्रापोलेट करके ये वैल्यू टू पर आई है, तो मेरे पास ये वाले पॉइंट है जीरो टू, एक्स पे वैल्यू जीरो, वाई पे ये, मतलब जो ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस वन अपॉन सी की जो वैल्यू है एक्स्ट्रापोलेट करने से वो कहां पर आ रही है, टू पर, और जब सी की वैल्यू एकदम बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर गया, जीरो ही हो गई है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है,
थीटा में, तो जो मेरी टू की वैल्यू है वो इक्वल हो गई है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के। ठीक है, हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्वेश्चन में यूज होता है और ये वाली इक्वेशन भी क्वेश्चन में यूज होती है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो आप चेक करोगे असाइनमेंट से। असाइनमेंट में बेसिकली क्या है, जो नेट में पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं या फिर गेट में जो क्वेश्चन आए हैं हम सिर्फ उतने ही करेंगे, बहुत ज्यादा सफिशियंट होते हैं हमारे सारे कंसेप्ट कवर करने के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग का लिंक है, वहां पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस करना है, आपको हमेशा बोलती हूँ थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कितने भी फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो जितने भी मैंने आज करवाया हूँ, जो पहले वाले वीडियो थे, उससे आपका 50-60% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको वो करने हैं। जो सोल्व नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैम ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, वो मैं बोर्ड पे सोल्व कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।